सो फजर का टाइम जो है ना वो हो चुका है और फजर की नमाज़ पढ़ने अभी जा रहा हूँ। और आज हमारे साथ जो है ना वो छोटी मियाँ भी साथ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं। नहीं, कोई नहीं जानता। तो अभी बस ये रही मस्जिद पहुँच गए, वहीं सामने मेरा घर है और यहाँ मस्जिद है। और अभी जो है ना वो जमात खड़ी हो गई है। चलो, मेरा वजू तो पहले वैसे ही है। चलो नमाज़ पढ़ते हैं। ईद खत्म हो गई। क्या हो गया फिर भी? ईद तो ईद है। कहाँ जा रहा? अबे मूवी रंगल चले गए, ईद ही लूटनी थी। एक तो कुत्तों ने जो है ना वो अजाब की हुई है जिंदगी जीना। अच्छा, कुत्ते ही कुत्ते। ये देखो अजीब। तो भाई मैं तैयार हो चुका हूँ और मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं क्यों तैयार हुआ हूँ। तो भाई आज जो है ना हमारे स्कूल में ईद मिलन पार्टी है और आई एम वेरी एक्साइटेड कि देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मैं एक साल जो है कॉलेज में चले गया था एंड आई वॉज इन हेयर फॉर 3 ईयर्स और कोरोना की वजह से शायद आई थिंक ये पार्टी भी नहीं हुई। सो एक दो साल बाद पार्टी हो रही है, मैं शायद अंदर शूट ना कर पाऊँ सही से क्योंकि मोबाइल वगैरह ले लेते हैं। सो देखते हैं कितना शूट कर पाता हूँ कितना नहीं, बट आई विल ट्राई टू शूट। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई एम रेडी, नॉट येट, थोड़ा बहुत और रेडी हूँ। नाश्ते में भाई रोटी शोटी तो खाने का टाइम नहीं है अभी, बस बहन आने वाली है, टाइम हो चुका है। मैंने चाय पापे खा रहा हूँ और ये भाई साहब भी रेडी हैं। भाई साहब रेडी हो? हेलो, नहीं रेडी? क्यों नहीं रेडी? सर आप रेडी हैं? और हाँ, हमारा किचन भी बन रहा था, किचन भी ऑलमोस्ट रेडी है अभी, बस नहीं इतना नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है। आप रेडी हैं? हैं, अच्छी बात है। तो इसको रोटी छोटी का नाम दे देते हैं, ये पापे हैं तो पेट तो भरता है, वैसे भी रोटी छोटी हो गई है तो। मज़ेदार। डोंट स्माइल, ये भी पहननी है। आई क्यों पहननी है? वहीं पहुँच चले क्यों? जूते नहीं पहनते हैं? एक हाथ से पॉलिश होगी। वो वैन जो है ना वो बड़ी देर बाद आई है, आधा घंटा लेट है और बट आ गई तो आ गई, पैदल जाने से तो अच्छा है। और आपका भाई जो है ना फुली रेडी हो चुका है और चलते हैं अब स्कूल की तरफ। फाइनली 15 मिनट बाद जो है ना वो स्कूल आ चुका है। सब मैं फ़ोन अंदर रख रहा हूँ, ऐसा ना हो गार्ड ने देख लिया तो लग जाने। आशीर्वाद। सो भाई आज जो है ना वो रात हो चुकी है, ठीक है, हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं दिन में और कुछ मतलब स्कूल में ही पूरी बोरियत वाली पार्टी गई है। तो स्कूल में ही बोरियत हो गई थी, रात को सिर्फ 2 घंटे सोए और मैं आके जो है वो सो गया था। अब रात को जो है वो जाहिर सी बात है भूख लग रही, तो रोटी छोटी तो खानी पड़ेगी। रोटी छोटी के लिए जो है ना वो हम लोग KFC आ गए। आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बना है, सॉरी फॉर डैट पार्ट, क्योंकि आज दादी और लोग चले गए थे अभी उसके बाद, तो कहीं बाहर जाना नहीं हुआ, ना ही ऐसी चीज़ हुई जो मैं आपको दिखाऊँ। हाँ, जोर लगा। आप कहते जोर लगा, ये बहुत ज़्यादा यार, हाथ कहते हो रहा, जान ही नहीं है। मज़ेदार। अभी आज का जो सीन है ना वो कुछ नहीं है, आज जो है वो मैं डेली व्लॉगिंग इस वजह से नहीं कर पा रहा यार। देखो, हैट्स ऑफ टू डगी भाई और माज अब्दर के, वो रोज़ नए नए कंटेंट लाते हैं और मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है यार, सोचना पड़ता है, दिमाग पे जोर देना पड़ता है। एंड आई एम न्यू इन दिस फील्ड, सो आई डोंट नो कि कॉन्टेंट्स कौन से निकाले जाएँ कौन से नहीं। तो उन्हें तो पता है भाई, उन्हें पास कार भी है, वो कहीं भी चले जाते हैं, मुझे हर वक्त नहीं मिलती कार। सो दिस इज़ दी रीज़न के व्लॉग्स जो हैं वो डेली नहीं आ पाते। और साइकिल जो हमारी ख़राब थी लैम्बोर्गिनी यूनो, तो उसको जो है वो मैं पंचर हो गई थी, मैंने जो है वो पंचर ठीक करवा लिया उसका। एयर इट इज़ बिल्कुल ठीक है, हवा फुल हो गई इसमें भी और अब अपनी होगी स्टार्ट राइडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो है ना अभी हैंड फ्री लेनी है, ठीक है, हैंड फ्री लेंगे, उसके बाद जो है ना वो दोस्त के पास जाना है।
दोस्त के पास मैंने उसको बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ। आज कोई सीन तो था नहीं, ना मैंने जो है ना वो पंचर सही करवाने की वीडियो बनाई, वही मैं भूल गया था। फ्री जो है ना मैंने फाइनलाइज कर ली है, ये वाली मैंने ली है। इसके अंदर जो है ना वो वॉल्यूम कंट्रोल का भी ऑप्शन है कि हम ना इसी में से जो है ना वो वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, और ये भी जो है ना वो सही कीमत में बजट के हिसाब से अपने। सो मैं फाइनली उसके पास जो है ना मैं पहुँच चुका हूँ, वो सामने जो है ना हमारा वेट कर रहा है। ये रहा चौड़ में, देखो कैसे बैठा हुआ है। अस्सलाम, ठीक और क्या चल रहा है? अपने ब्लॉग को जो है ना मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड। यार देखो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मैंने दो दिन का जो है ना वो एक साथ ब्लॉग मर्ज किया। जब भी जो है ना वो 5 मिनट का ब्लॉग बना है तो ज़्यादा कुछ उस दिन किया नहीं हमने। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और शायद अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग ना बोलूँ, नेक्स्ट डे बोलूँगी। यार देखो मेमोरी का मसला आता है और भी दूसरी चीज़ें इसकी वजह से जो है ना वो डेली ब्लॉग्स नहीं आ पाते, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मुझे लगे हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। The storms we chase are leading us in love.